बट बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे ये लगता है अगर मैं MBA नहीं करती तो शायद मैं फैशन डिजाइनिंग करती, या तो आर या पार देखी जाएगी। मॉर्निंग, हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के वीडियो में भी। एंड आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, नौमी है आज, सो हैप्पी नवरात्रि। और आज होगा कन्या जीमन, सो पहले जोत वगैरह हम कर लेंगे, उसके बाद में कन्याओं को जिमाएंगे और आज वो सारा रूटीन रहेगा। मैंने भी तो सूट पहन रखा है, फिर मैं चेंज करूँगी, अभी बेस पहनूंगी, नीचे जाके हम पूजा की तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा शुभ दिन है और नवरात्रि के दिन पे, मैं एक बहुत खास बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ अपने वीडियो में आप सभी के लिए, और वो आप सभी के काम की भी है, तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, कुछ नया शुरू कर रही हूँ मैं एक और चीज़। तो सोचा था थोड़ा सा लेट करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जी, नई चीज़ शुरू होने वाली है, क्या होगी कैसे होगी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पहले, क्योंकि अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, पूजा करनी है, कन्या जी मानी है, एक बार वो सारा रूटीन हो जाए फिर तसल्ली से बैठ के मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी दोपहर में। तो वीडियो से जुड़े रहिए। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ मिस ना हो। आज का वीडियो स्पेशली एंड तक देखिएगा, राजपूती कपड़ों से रिलेटेड कुछ नई चीज की शुरुआत की है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जितना भी सीक्रेट है, सस्पेंस है, सारा इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एंड तक देखिएगा। फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ, चलिए नीचे चलते हैं। जय माता दी, हाथ जोड़ो। खाने में आज बनी थी खीर, सूजी का हलवा, उसके साथ में सब्जी बनी थी आलू छोले की, एंड साथ में थी पूड़ियाँ। तो ये था आज का मेन्यू। अब ये सारे बच्चे अपने दादू अपने बाबा के पास खेल रहे हैं। चलो अब आ जाओ, सब आ जाओ। थैली में डाल दो, बाय। वो देखो भव्या साथ में जा रही है इनके, बेटा बवी, चलो बेटा अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर अंदर, हाँ चलो बाय। भव्या आप गिर जाओगे, बाय कर दो, बाय कर दो, चलो हाँ खा लो, पहले बनाना। अच्छा अरे वाह। सो अब फाइनली बैठ के मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या नया शुरू कर रही हूँ। बेसिकली मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रही हूँ, अपना नया बिजनेस कह सकती हूँ या फर्स्ट बिजनेस कह सकती हूँ, क्योंकि YouTube या मेरी डांस क्लास वो अलग चीज़ है, वो मेरी अलग प्रोफेशन है। किसी चीज़ के बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये पहली चीज़ होगी मेरे लिए।
सो यस, जैसे कि मैंने बताया था, आप सभी के काम की ये चीज़ होने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो राजपूती कपड़े से रिलेटेड ही मेरा बिजनेस है। एंड क्यों मैंने ये चीज़ शुरू करने का सोचा वो पहले मैं आपको बताती हूँ। दो मेन रीजंस थे और ये कोई सडन डिसीजन नहीं है, सालों का ये डिसीजन है। इनफैक्ट एक सच बात बताती हूँ, अगर मैं MBA नहीं करती तो शायद मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती। इतना क्रेज़ है मुझे डिज़ाइनिंग में, कपड़े डिज़ाइन करने में। इनफैक्ट बचपन से ही, बड़ी मम्मी अगर आप देख रहे होंगे ये वाला वीडियो, तो मैं अपने जो सूट होते हैं, इवन जो कुर्तीज़ होती है, वो प्रॉपर पेन और पेपर पे खुद डिज़ाइन करके और मेरी बड़ी मम्मी से सिलवाते थे। वो बहुत सुपर टेलर हैं, वो बहुत अच्छा सिलते हैं। तो हम दोनों की जोड़ी होती थी और डिज़ाइन मैं करके उनको बताती थी, मामा ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, मैं उन्हें मामा कहती हूँ, और वो सिलते थे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये मेरा बचपन से है, बट क्योंकि मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा थी तो मैंने MBA चूज़ किया और इसको मैंने हमेशा से थोड़ा सा साइड में रखा, दबाए रखा। पर एक चीज़ ये थी, मेरे जो खास लोग हैं, जो मेरे करीबी हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा से कपड़ों के बिजनेस में एंटर होना चाहती थी, मेरा ड्रीम था ये। सो यस, दो रीजंस मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से मैं ये शुरू कर रही हूँ वो ये है कि जब भी मैं शॉपिंग जाती थी, एंड मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती रहती हूँ जयपुर के शॉप्स में या इवन बाकी जगह भी, तो हर दूसरे शॉप में मुझे सेम कलेक्शन दिखता था। लगभग मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हाई एंड शॉप्स हैं डेफिनेटली उनका कलेक्शन अलग है, बट अगर आप जनरल स्टोर्स पे जाओगे ना, झोटवाड़ा में जाओ, आप खातीपुरा में जाओ, लगभग आपको ऑलमोस्ट सेम टाइप के बेस, ऑलमोस्ट सेम टाइप की पोशाकें की रेंज आपको सब जगह मिलेगी। सेम चीज़ इंस्टाग्राम स्टोर्स के साथ भी हो रही है, या जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं 8 से 10 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ राजपूती कपड़ों से रिलेटेड। तो मेरे जिस दिन व्हाट्सएप आएगा ना, सेम ड्रेस हर एक ग्रुप में, सेम फोटोज़ हर एक ग्रुप में, सेम पोशाक, सेम बेस, हर चीज़ सेम। तो फिर ऐसा होता था, मैं इरिटेट होकर डिलीट कर देती थी सारी की सब कुछ सेम है। तो एक तो पॉइंट मेरा ये था, क्योंकि मैं जब भी डिस्कस करती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार हर जगह सेम ही चीज़ मिल रही है, फिर मैं भी वही लूँ, दूसरा भी वही लेगा, ऐसे तो कॉमन चीज़ें ज़्यादा हो रही है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यस, कुछ डिज़ाइनर बुटीक्स हैं, कुछ हाई एंड शोरूम्स हैं जिनका कलेक्शन आपको मार्केट से अलग मिलेगा, लेकिन फिर उनकी रेट भी सुपर हाई है। तो तब मुझे उस केस में लगता था कि कलेक्शन तो डिफरेंट है, बट मुझे प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगता था। और मैं बहुत दिल खोल के यहाँ पे बात करूँगी, मुझे मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा कपड़ों पे पैसे डालने से कोई मतलब नहीं है। मैं ये गलती अपनी शादी की शॉपिंग में कर चुकी हूँ, मैंने बहुत महंगी पोशाकें खरीदी है सारी की सारी, तो उस वजह से। और आज ऐसा हो गया कि वो 2 या 3 बार पहनी है और रखी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अननेसेसरी वेस्टेज हुआ पैसों का, मतलब उतने में कई तोला सोना बन जाता आराम से एक्स्ट्रा। नाउ ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, यस आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप खरीदिए खूब सारी डिज़ाइनर पोशाकें, बट बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे ये लगता है कि अननेसेसरी, जब अगर मैं कोई चीज़ 10,000 में बना सकती हूँ तो मैं वो सेम चीज़ के 20,000 ना दूँ, ये मेरी सोच है। इन दो पॉइंट को मैंने सोच के ये डिसाइड किया था कि कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें वराइटी भी हो, एट द सेम टाइम रेट भी कम हो, क्या ये चीज़ हो सकती है। और कोशिश कर रही हूँ मैं, जो मैं ये चीज़ ला रही हूँ, जो बिज़नेस ला रही हूँ, उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग स्टेज में हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी डिटेल्स आपको भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ, कारीगर से कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। एक तो क्या होता है ना, चीज़ जब बनती है तब उसका रेट अलग होता है, जब तक वो शोरूम तक पहुँचती है और आप तक आती है उसका रेट डबल हो जाता है। एक तो एक ये चीज़ ख़त्म करनी है मुझे। सो बेसिकली कपड़ा भी मेरा, कारीगर भी मेरे, डिज़ाइन भी मेरी, और डायरेक्टली कस्टमर तक, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं, बीच में कोई ऐसी की चीज़ नहीं जिससे रेट बढ़े। अफोर्डेबल रेट पे नए डिज़ाइंस, बजट फ्रेंडली डिज़ाइंस, जो अच्छे भी दिखें, इस तरीके का कुछ लाने का मेरा कंसेप्ट है और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आइडिया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि कैसा आउटपुट आएगा, क्या मैं सच में अच्छा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ तो ऑब्वियसली नर्वसनेस रहती है, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना पता है कि मैं इस चीज़ में अपना 100% दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, पैशन है ये मेरा। और कहाँ से शुरुआत हुई वो भी मैं बताती हूँ। मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से घूमर भी सिखा रही हूँ, तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए पोशाकें प्योर के बेस, कुछ डिफरेंट सूट्स डिज़ाइन करके उन्हें दिए थे, उन्हें बताए थे।
तो वहाँ से भी मुझे ये आउटपुट मिला कि मैम यू नो आपको इतना इंटरेस्ट है और आप इतना अच्छा करते हो और कम रेट में करके देते हो, तो आप अपना बुटीक क्यों नहीं शुरू करते या आप अपना कुछ बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते। तो ये चीज़ थी और ये थॉट काफ़ी लंबे टाइम से था। मैंने सच बता रही हूँ अभी कल या परसों मम्मी से बात की, अपने हस्बैंड से बात की, और अभी मेरे पास कोई लॉट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है रेडी, लेकिन मैंने कहा कि चलो नहीं अब करते हैं, अब सही समय का वेट करती रहूँगी ना तो वो कभी नहीं होगा, वो टलते जाएगा। तो मम्मी ने भी कहा और पति जी ने भी कह दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नहीं करो, आपको हमेशा से करना है, क्योंकि मैं इन दोनों के ना कान खा जाती हूँ बोल बोल के कि मुझे करना है करना है करना है। तो लास्ट में अब इन्होंने ये बोला करना है ना तो करो, क्योंकि क्या होता है ना जनरली जब हम कहते हैं कि हम कपड़ों का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मोस्टली क्या होता है कि होल सेलर से या मैन्युफैक्चरर से डील कर ली जाती है और एक साथ 50,000 का 1,00,000 का मिनिमम इस तरीके से लॉट उठाया जाता है जो अपने दुकान में भर लिया जाता है और उसके बाद में सेल किया जाता है। मेरा वो कंसेप्ट नहीं रहने वाला है बिल्कुल भी, मेरे पास आपको बहुत कम पीस मिलेंगे, बहुत कम। अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक डिज़ाइन करना शुरू नहीं किया है, लेकिन बहुत लिमिटेड पीस लाऊंगी और वो मैं कहीं से किसी से खरीद के नहीं लाने वाली हूँ। मेरे दिमाग में डिज़ाइन आएगी, उस हिसाब से मैं कपड़ा खरीदूंगी, उस हिसाब से मैं वर्क करवाऊंगी कारीगरों से और उस हिसाब से ही मैं ओढ़नी रंगाना और ये सारी चीज़ें करूंगी। इतना सब करके एक सूट तैयार होगा। यूनिक पीसेस तैयार करने की कोशिश करूंगी पूरी पूरी और कम बजट में। मेरी रिसर्च सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे है कि कम पैसे में अगर अच्छे से अच्छी चीज़ें हो सके तो क्यों नहीं। तो वो अभी चल रही है बैकग्राउंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैं अभी सारी आपसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बट मेहनत लग रही है इसमें बहुत ज़्यादा और मैं बहुत छोटे लेवल से शुरू करूँगी। मैं एक साथ यू नो बहुत सारा लाखों का इन्वेस्टमेंट करके कपड़ा खरीद लाई फिर उसे डेस्परेटली बेचने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत मिनिमम लेवल से शुरू करूँगी, अपने खुद की अर्निंग इन्वेस्ट करके और उस हिसाब से ही यू नो एक जीरो लेवल से ही शुरू करूंगी, कम से ही। लेकिन आज मैंने अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली कि यस मैं राजपूती कपड़े के बिजनेस में एंटर हो रही हूँ, बहुत ही छोटे लेवल से, यू नो बहुत छोटे लेवल से। मेरी कोई अलग से शॉप नहीं होने वाली, मैं सब कुछ ऑनलाइन डील करने वाली हूँ और मेरा मेन फोकस जो होने वाला है वो कस्टमाइजेशन पे होगा। कोई भी पीस आपको सेम नहीं मिलेगा दूसरे कस्टमर से। मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी क्योंकि पहले शुरू शुरू में तो मैंने अपने स्टूडेंट्स का जब बनाया तो मैंने उनके हिसाब से ही उनको डिज़ाइन करके दिया, उनका स्किन टोन देखा, उनका बॉडी शेप देखा, क्या फैब्रिक उन पे अच्छा लगेगा, किससे वो यू नो उन पे और ज़्यादा अच्छा सूट होगा उस हिसाब से, और ट्रेंड में क्या है डेफिनेटली, किस फंक्शन में उनको पहनना है, कैसे तरह का वर्क होना चाहिए, हर चीज़ सोच समझ के मैंने उनको डिज़ाइन करके और वो ड्रेस बना के दी थी। तो आई थिंक मेरा मेन जो प्लस पॉइंट कह लीजिए एडवांटेज होगा या जो मेरी USP होगी वो कस्टमाइजेशन होने वाली है। सो लेट्स सी कैसे होता है, अभी तक मैंने कोई नाम भी नहीं सोचा है, अभी मैं उन चीज़ों में नहीं जा रही क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा है। मेरा कोर्स चल रहा है यानी पढ़ाई चल रही है मेरी, YouTube के दो चैनल्स चल रहे हैं, उसके साथ साथ मेरे घूमर क्लासेस चल रहे हैं, बैच चल रहे हैं, और अब शादी का सीज़न आने की वजह से उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा अब ये चौथी चीज़ और ऑब्वियसली सबसे इन सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है भव्या मेरी बेटी। तो ये सब मैनेज करना एक साथ और सबको बहुत अच्छे से मैनेज करना डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो मैं थोड़ा 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 हर चीज़ को करने की कोशिश कर रही हूँ, एक साथ नहीं कूद रही क्योंकि मेरी एनर्जी उतनी ड्रेन हो जाएगी फिर। बट यस, वन बाय वन करेंगे। आपको कैसा लगा ये कंसेप्ट, ये आइडिया कैसा लगा मेरा कस्टमाइजेशन वाले कपड़े बना के देने का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड बस ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी, मुझे सच बता रही हूँ बहुत खुशी हो रही है शेयर करके। मैं नहीं जानती कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ऑब्वियसली मैं दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, पर मुझे ये चीज़ करके देखनी थी। यू नो बहुत सालों से पेंडिंग चल रही है तो मैंने कहा नहीं अब करके तो देखते हैं, या तो आर या पार देखी जाएगी, लेकिन करना है। और अगर मुझे पता है कि मैं अपने 100% एफर्ट दूंगी तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा माता जी की कृपा से। सो लेट्स सी, माता जी की कृपा और डेफिनेटली आप सब लोगों का सपोर्ट, वो भी चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा। सो बस आज के लिए तो इतना ही, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, दिल खोल के मैंने सारी बातें बता दी आपको। चलिए जी, एक और नई शुरुआत हो रही है अभी और लेट्स सी, आई एम ऑल पॉजिटिव। बट नाम, लोगो, हर चीज़ डिज़ाइन होने वाली है बिजनेस के लिए, पर वो चीज़ चलती रहेंगी। अभी फ़िलहाल आई थिंक मुझे, मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं अभी, तो मैंने बता दिया है जी। और ये था आज का वीडियो, बताइए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स पढ़ने के लिए इस बार मैं इस वाले वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ईगर और एक्साइटेड रहूँगी। सो ठीक है, मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणेशा।